संबलपुर महानगर जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ुची तेबे एथिपाई सहर रे सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम टीए करिबा पई बड़ धरणर भल हल अभाव रही दृष्टि रखी पश्चिम ओडिशा विकास परिषद सहयोग में एसडीए पक्षर हजारे सीट्र टाउन हल निर्माण आरंभ होता 9 कोटी टंका व्यय निर्माण आरंभ होबा परे सहरें बड़ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन सहज हेबो बोली आशा बढ़ी तेबे पश्चिम ओडिशा विकास परिषद हठात प्रकल्प बातिल करिबा परे निर्माणाधीन प्रकल्प स्थल एवं जलाशय पाल्टि जाइछि 2 वर्ष हेब लोहारड पानी रे बुड़ी रही नष्ट हो जाइछि तेबे ई टाउन हॉल प्रकल्प बंद हेबा परे लोके एथिपाई सरकारी उदासीनता को दायी करिबा सह एने सरकारी स्तर रे ई टाउन हॉल कार्य पुनि थरे आरंभ करिबा पई पदक्षेप नेबा को दाबी करछन्ति सम्बलपुर एछनका हजारे सीट आवश्यकता तो टाउन भितर निश्चित अच्छे आटा जेन जगह अच्छे हालांकि सर्किट हाउस पाखे भी गोटे से गोटे हल्टे अच्छे किंतु सेटा जेहेतु गोटे रिमोट एरिया अच्छे तार से मानने यूटिलिटी नहीं पारते इटा जेन जगह थी प्रस्ताव थिला इटा जी कार्यकारी हवा बोले इटा लोक बहुत उचित जगह हवा से बर्तमान आमर जेन टाउन हल सम्बलपुर लगे गोटे योजना चली सरकार तरफ आमर WODC फंड थिला सेटा आउ वेस्टर्न ओडिशा डेवलपमेंट काउंसिल जन आमर तन फंड अलॉट करथिले से समर आमर चेयरमैन थिले किशोर महांती से तांकु बहुत अनुरोध सत्वे सेटा सेटा ग्रहण करथिले आउ ताके इम्प्लीमेंट देथिले भी से सम्बलपुर वासी तांकु बहुत कृतज्ञता भी देथिले सेथि लागि किंतु बहुत दुखर कथा है आज सेटा अधारू बंद होकर पड़ी आउ इतार कारण है तांकर टोटल तमने सरकारी अवहेला जदि गोटे योजना सरकार करुचे अधार बंद कर दूचे बोले से भितर किसी निश्चित भाव में किसी न्यस्त स्वार्थ अच्छे किसी लोकंर यहाँ ता जना पड़ जाए पश्चिम ओडिशा विकास परिषद आर्थिक सहायता रे संबलपुर पूर्त विभाग टेंडर डाकी काम आरंभ कर प्राय 1 कोटी टंका व्यय होगा विकास परिषद हठात प्रकल्प बातिल करदेला अन्य पक्षरे पूर्त विभाग टाउन हल प्रकल्प होगा स्थान में माटी खोली फाउंडेशन करथिया बेले वर्तमान सेठारे पानी भरी प्रकल्प स्थलटी कृत्रिम जलाशय पाल्टी जाइछि केउं परिस्थिति रे भी पानी जमी रहितबा प्रकल्प स्थान रे दुर्घटना जे न घटिबो ताहा कहि हेबो नै एने जन असंतोष वृद्धि पाइबार लागिछि अपर पक्षरे टाउन हॉल प्रकल्प बंद हेबा नै तांको प्रतिक्रिया रखिछन्ति तत्कालीन एसडीए अध्यक्ष विजय महांति जेतेले सम्बलपुर उन्नयन कर्तृपक्ष प्राधिकरणर अध्यक्ष थिली से समय रे पश्चिम ओडिशा विकास परिषदर अध्यक्ष वर्तमान विधायक मान्यवर किशोर महांति से जो जिलापाल थे समर्थ वर्मा एम सहित मो सहित आलोचना करी से जगह आपण मैंने जानते एसडीएर गोटे जगह सम्बलपुर सहर गोटे प्राइम जगह से जगार जेहेतु टाउन हल मान सम्बलपुर बड़धरण टाउन हल जेहेतु ना एक हजारे संख्या विशिष्ट स्थान सीट संख्या विशिष्ट एक टाउन हल प्रतिष्ठा पाई उद्यम है एवं प्रस्ताव होता जो सेटा एसडीए गोटे संपद भाव एसेट भाव एवं से जहाँ आय हे एसडीए जेहेतु सम्बलपुर जनसाधारण सर्वसाधारण गोटे संपत्ति से प्रसिद्ध होकर जनसाधारण काम हम से अधा काम बोली तो कहले भी भूल केवल से मैंने एस्टिमेट तैयारी एस्टिमेट मंजूरी है टेंडर कल PWD तरफ से टेंडर को सरकार अनुमोदन मिलला सरकार अनुमोदन पर PWD डिपार्टमेंट तार काम भी आरंभ कले जो जहाँ कुछ टेंडर पाई आपने देखी से फाउंडेसन खोला किंतु परवर्ती समय रे आमर जे पश्चिम ओडिशा विकास परिषद अध्यक्ष आसिले दुखर विषय से तो परलोक हो से कौन बुझिले जे ताको माने बंद कर दुखर विषय से समय रे से बंद कर दे के सहित जो भाव में जो माने मैंने जोजोग करार कथा तो सही पारे समय मध्य मिलने तो से अवस्था रही है परवर्ती समय रे वर्तमान से उद्यम जाहिर करा कथा पश्चिम ओडिशा विकास परिषद पक्षर थे जेहेतु अर्थ मंजूर होता
ଏବଂ କାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ବି ହୋଇଛି। ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଖୋଳା ହୋଇଛି, ସେଠି ପୋଖରୀ ଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ରହୁଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଗୋଟେ ବହୁ ଆକାଂକ୍ଷିତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ହୋଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି, ତାକୁ ପୁଣି କରାଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସେ ପରିମାଣରେ ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି SDA ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମଧ୍ୟ ସେ କାମ କରିପାରିବେ। ସମ୍ବଲପୁର ସହରବାସୀଙ୍କ ହଜାରେ ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଆଶା ଧୂଳିସାତ ହେବା ସହ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥଳ ଏବେ ଜଳାଶୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ସହରବାସୀ ବେଶ୍ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ତୁଷବନ୍ତ ଯୋଶୀଙ୍କ ସହ ନବୀନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।